अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। प्रदेश की सड़कों के सभी गड्ढे भर जाएं, क्या यह दायित्व सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है? उनके स्पष्ट निर्देश के बाद भी यदि अफसरशाही इस तरफ से बेखबर है तो क्या कहा जाए, वह भी तब जबकि मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करने वाले जनप्रतिनिधि भी इस ओर आंखें मूंदे बैठे हैं। नेशनल हाईवे मवाना रोड से कृष्णा लोक कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पर यूं तो राज्य मंत्री दिनेश खटीक का भी कार्यालय है, लेकिन यहां बने अनगिनत गड्ढे मौजूदा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। क्षेत्रीय विधायक शाहिद मंजूर चूंकि विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी से है, लिहाजा उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने सड़क बनवाने का जो वादा ग्रीन पार्क के वाशिंदों से किया था, उसे भी लंबा अरसा हो गया है। पहले देखिए इस सड़क की दुर्दशा। इस बारे में किठौर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक शाहिद मंजूर से वार्ता की गई तो उन्होंने यह कहा। जी नमस्कार भाई, सर रवि शर्मा बोल रहा हूँ, फर्स्ट बाइट न्यूज़ चैनल। जी पंडित जी, क्या हाल है भैया? ठीक है भाई साहब। बस ये जानना चाह रहा हूँ कि मवाना रोड को ग्रीन पार्क से एक सड़क जोड़ती है जो करीब 1 किलोमीटर लंबी है। जी। आज फर्स्ट बाइट की टीम ने वहां पर दौरा किया है और वहां लोगों ने बताया है कि क्षेत्रीय विधायक शाहिद मंजूर ने वादा किया था कि इस सड़क को 6 माह मतलब के इसको जल्द ही बना दिया जाएगा, लेकिन उस वादे को भी 6 माह से ज्यादा का समय हो गया है। जी। तो इस बारे में मैं जानना चाह रहा था कि क्या इस पर कुछ प्रगति हुई है या तो ये कि आपको मालूम है कुछ व्यक्तिगत कारणों से 2-3 महीने 4 महीने जो है चार करीब वो लखनऊ में लग गई। जी शायद वो होगा आपकी जानकारी में। जी। दूसरा ये कि अब वर्तमान में 3 स्कीम में ये सड़क दे रखी है। अच्छा। एक तो त्वरित विकास में है। जी। एक PWD में है। जी। और एक MDA में है। जी। पहले भी जब सरकार थी तो MDA थी, मैंने इनकी मरम्मत कराई थी। जी। अब MDA से भी कुछ पैसा मिलता है। जी। मरम्मत का लग रहे हैं, उसमें भी दे रखी है, वादा भी याद है और कोशिश भी है कि जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो 5 साल में दिक्कतें बढ़ी हैं वो थोड़ी दूर हो जाएं। मेरी मरम्मत कराई हुई थी, ये सड़क अब मुझे करानी है, लग रहा हूँ मैं इसके चक्कर। तो कब तक क्षेत्र लंबे तो जितनी भी जल्दी हो सकती है हो जानी चाहिए। अच्छा ठीक है विधायक जी, मतलब ऐसा नहीं है जी, छोटे बजट की होती तो मैं विधायक निधि से भी करा देता। जी है ना, विधायक निधि में वादा तो किया था, ऐलान किया था 5 करोड़ का, मगर मिल रहे 3 करोड़, उनमें भी 18% GST आ रही है। जी तो बड़े बजट का काम है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से हो जाए, हो जानी चाहिए, उम्मीद करूँ जल्दी हो जाए। अच्छा ठीक है विधायक जी, नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।